धर्मनगरी वृंदावन में दो दिवसीय ब्रज फिल्म फेस्टिवल की धूम मची हुई है। सांस्कृतिक संस्था बांसुरी के तत्वाधान में रमण रेती मार्गेज स्थित वृंदावन शोध संस्थान में आयोजित पहले ब्रज फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन रविवार को कार्यक्रम का शुभ मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता वीरेंद्र काला एवं अभिनेता निर्देशक सिद्धार्थ नागर द्वारा ठाकुर बांके बिहारी के चित्रपट पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं संस्था संस्थापक विनय गोस्वामी एवं मंत्री प्रेम कौशिक द्वारा अतिथियों का पटका उड़ाकर भी स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के प्रथम सत्र में डेट ऑफ वाटर, चमत्कार बहार, गुल्लक, हिंदी अखबार, फ्लावर आदि सुविधाओं का भी प्रदर्शित किया गया। साथ ही कोरोना गीत एवं आजारे बहुतिया म्यूजिक वीडियो के रूप में दिखाई गई। ये शुरुआत हुई है तो ये बहुत लंबी है और मुझे उम्मीद है कि ये एक दिन ऐसा आएगा जो भी इंटरनेशनल लेवल पे वृंदावन ब्रिज कृष्ण राधा एक ऐसा नाम है, एक ऐसा मील का पत्थर है कि कहीं भी हम अगर सिनेमा के नज़रिए से देखते हैं तो बहुत 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 ऊँचाइयाँ छूता है। और पता नहीं कि मुझे पहले दिन ही ब्रिज और वृंदावन ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन इस तरह का बना है खासतौर से सिनेमा को लेकर के कि किसी के भी दिन में ये एक अपनी रास अपनी छवि बना के रखता है और हम कोशिश करेंगे कि मतलब इसको कैसे भी करके एक सम्मानित और आदर्श के नाम पर इसको सिनेमा के समक्ष रखा जाए। ब्रज है, दूसरा है कि मतलब अब हमारे बच्चे जो आसपास के हैं जिनको